कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से धार्मिक नगरी पुष्कर पर जगत पिता ब्रह्मा की कृपा दृष्टि बनी हुई है और पुष्कर एक सेफ जोन में है। फिर भी जो आला प्रशासनिक अधिकारी है, जो पुलिस के अधिकारी है, वो किसी भी तरह की कोई रिस्क लेने की मूड में नहीं है और पुष्कर को संवेदनशील दृष्टि में रखा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पुष्कर वो स्थान है जहाँ पर देश और विदेश से हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं और पुष्कर में होली का पर्व भी हाल ही में हुआ है। इस दृष्टि के कारण जितने भी आला अधिकारी हैं वो लगातार पुष्कर पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। आज जिले के आज जो अजमेर रेंज के IG हवाई सिंह जी ने उनका पुष्कर का जायजा लिया। इसससे पहले जिला पुलिस कप्तान कुमार राष्ट्रदीप ने कल पुष्कर का जायजा लिया। एडिशनल SP किशन सिंह जी भाटी ने जायजा लिया। उसके अलावा उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने आज एक बार फिर लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना संक्रमण से संबंधित जो सावधानियाँ बरती जाए, जिससे कि पुष्कर जो सेफ दृष्टि से बना हुआ है उस पर जगत पिता की जो कृपा बनी है वो बनी रहे। पुष्कर से दिलीप नागौरा के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। कोरोना वायरस संक्रमण से फिलहाल तीर्थनगरी पूरी तरह बची हुई है और तीर्थनगरी पर किसी तरह की कोरोना का साया नहीं पड़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है। गुरुवार को अजमेर रेंज के IG हवा सिंह घोमरिया ने तीर्थनगरी पुष्कर का दौरा कर लॉकडाउन की पालना का जायजा लिया। घोमरिया ने लॉकडाउन की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि पुष्कर के लोग बहुत ही अच्छी तरह से लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में घुमरिया ने कहा कि मुझे पता है घर में रहना आसान नहीं, लेकिन ये समय भी कट जाएगा। अगर इसी अनुशासन के साथ लॉकडाउन की पालना करते रहे तो जल्द ही कोरोना वायरस संक्रमण की यह श्रृंखला टूट जाएगी। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन की पालना की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना बचाव के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना करें। इसी तरह बुधवार शाम जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने पुष्कर सहित बाड़ीघाटी स्थित जिले की नागौर जिले की सीमा का जायजा लेकर पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी ने भी पुष्कर का जायजा लेकर लोगों से अपील की कि वे लॉकडाउन की पालना करें। उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने कहा कि पुष्कर में लॉकडाउन की अच्छे से पालना हो रही है। हालांकि उन्होंने गुरुवार को राशन की दुकानों पर उमड़ी भीड़ पर चिंता जाहिर की। उन्होंने लोगों से एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखने, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपील की। तो लोगों ने काफ़ी अच्छे से अभी बंद कर रखा है, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। पुष्कर में मैं सभी जगह घूम के देखा हूँ, अच्छा यहाँ पे लॉकडाउन का असर है। थोड़े से दिन की बात है, मेरे ख्याल में अपन इसी तरीके से अगर लॉकडाउन का पालन करते रहे तो थोड़े दिन में अपन इस चेन को ब्रेक कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। इस कोरोना महामारी में जिस तरह भारत प्रदेश लड़ रहा है, उसी तरह से मैं पुष्कर वासियों से एक फिर से अपील करना चाहूँगी। प्रशासन और पुलिस और सब मीडियाकर्मी और जो पुष्कर के वासी हैं, सब बहुत अच्छे से इसका साथ निभा रहे हैं हमारा प्रशासन का। परंतु कई कई जगहों पे, कुछ जगहों पे कभी कभी राशन लेने के लिए या उस तरह से भीड़ दिख जाती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का सही से आप पालना करें, ये मेरी अपील है। जिस तरह से राशन डीलर्स के बाहर आप राशन लेने आ रहे हैं, तो सभी भाइयों से बहनों से ये निवेदन है और कि आप अलग अलग दूर दूर दो दो फिट का रास्ता बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर अपने घर में भी पूजा कर रहे हैं और एक आपने आपके घर के मंदिर में भी आप खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहन के करें, सैनिटाइज करें और गलियों में निकलें केवल तब निकलें जब अति आवश्यक आपको राशन सामग्री खरीदनी हो, और एक ही आदमी परिवार का निकले, सीधा राशन डीलर के जाए और राशन लेकर के पुनः अपने घर में जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालना करें, यही अपील है। नागरिक ऐसा नहीं, आज नहीं करते रहते हैं, प्राय सभी हम अधिकारी आते जाते रहते हैं, आज भी आना हुआ, पूरे कस्बे को देखा, ग्रामीण इलाके को भी देखा अच्छी तरह से। SP साहब भी आए थे, उन्होंने भी विजिट किया है। मोटे तौर पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कस्बा और ग्रामीण जो तबका है वो पूरी तरह से जो हमारे निर्देश है उसकी पालना की जा रही है, 144 धारा की पालना की जा रही है, सोशल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं उसकी पालना की जा रही है। ये एक सुखद एहसास है और फिर भी हम अपील करते हैं कि ये थोड़े दिनों का ही मामला है और आप धैर्य के साथ, संयम के साथ में और हमारे निर्देशों का पालना करें। आप अपने आप में, अपने घरों में रहें। ये मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक तरह से मानव मात्र का, मानव जाति के कल्याण का होने के कारण
आपसे विशेष रूप से पब्लिक से हम अनुरोध करते हैं कि धैर्य के साथ में इस समय को, संयम के साथ में इसको एकांत में रह करके और संयम रख करके इसको इसकी पालना कराओ।